नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से प्रीता ऋषभ के बीच में और जो कि अर्जुन और अंजलि के बीच में, जो कि चारों के बीच में एक नया कॉम्बिनेशन होने वाला है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार प्रीता बोलती हुई नजर आएगी कि ऋषभ जी पर हमला जो अर्जुन ने करवाया है अंजलि से कहकर, और ये क्रिमिनल हैं दोनों, इनको सजा मिलनी ही चाहिए। आप लोग जानते हैं कि किस तरीका से लगातार एक से बढ़कर एक आरोप लग रहे हैं इस समय अर्जुन और अंजलि के ऊपर। यहाँ तक कि प्रीता पुलिस को ले आई है अर्जुन के घर पर और बोल रही है कि अंजलि को अभी के अभी गिरफ्तार कर लीजिए और इस अर्जुन सूर्यवंशी को भी, क्योंकि इन्होंने ऋषभ जी के ऊपर जो अटैक किया है, एक एक्सीडेंट करने की कोशिश की है, उसके लिए इनको जो कि गिरफ्तार कर लो, और जिसके बाद में अंजलि की फाइनली गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं कि अर्जुन कुछ ना कर पाए, क्योंकि अर्जुन अब खुलेआम सभी के सामने वार्निंग देता हुआ नजर आ रहा है और बोलता हुआ नजर आएगा कि अंजलि, अगर आज के बाद में सबसे बड़ा मेरा कोई दुश्मन है तो वो तुम हो। अब तक तो तुमने मेरा प्यार देखा था, इस घर के प्रति मेरा लगाव देखा था, लेकिन अब मेरी दुश्मनी देखने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा और इन लोगों ने मुझ पर ऐसा बताया कि क्या आरोप नहीं लगाया है, इन्होंने मेरे पर हर तरीका का आरोप लगाया है, लेकिन ये आरोप आखिर कब तक लगाएंगे, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है बल्कि मेरी शराफत का फायदा उठाया गया है। वाकई में दोस्तों, प्रीता ने जो शब्द बोले हैं अर्जुन के लिए, क्रिमिनल, हर तरीका के गंदे गंदे शब्द यूज किए हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो कि प्रीता से अर्जुन झुकने वाले नहीं हैं, अब प्रीता को मुंह तोड़ जवाब देते हुए भी नजर आने वाले हैं। आप लोग जानते ही हैं कि अर्जुन और प्रीता की एक बार फिर से बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। हालांकि इन दोनों की शादी भी होगी, ये भी जरूरी है दोस्तों। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइस, आपको मेरी वीडियो आखिर कैसे लग रही है। थैंक यू सो मच।